हाँ जी नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूज बड़ी ब्लॉग्स। और खबर ऐसी आ रही है भाई साहब की, क्या बताएं तुम्हें, खबर आ रही है फलोदी सट्टा बाजार से। और बताया जा रहा है कि भाई रविंद्र सिंह भाटी की जीत 101% तय। इतना मतलब कि प्रिडिक्ट किया है फलोदी सट्टा बाजार ने, और डैम श्योर सट्टा बाजार ने तय कर दिया मतलब कि जीत पक्की है। क्योंकि मेन रीजन ये है कि भाई साहब सबसे बड़ा सट्टा बाजार है फलोदी का, जो कि उसका नाम आता है एशिया में एक नंबर, पूरे एशिया में नाम आता है। और इतना भारी प्रेडिक्शन भाई साहब, इतना भारी बोल दिया मतलब तय, मतलब तय, समझ रहे बात। तो ये चीज चल रही है भाई फलोदी के अंदर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ये रिपोर्ट आई है फलोदी के अंदर से, एशिया में नाम आया है सट्टा बाजार का एक नंबर पे। और फलोदी ने प्रेडिक्ट किया है रविंद्र सिंह भाटी की जीत पक्की है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, और मेरे जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, अगर आप रविंद्र सिंह भाटी को नहीं जानते हो तो आप सोशल मीडिया पर कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। राजस्थान का एक ही शेर है अभी इस वक्त, पूरे भारत को हिला रखा है उस आदमी ने, समझ रहे हो। तो भाई 4 तारीख का वेट है, बस जीत की शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा एडवांस। और 4 तारीख को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि भाई रविंद्र सिंह भाटी की जीत पक्की हो चुकी है, ठीक है। बाकी पता तो चल गया है, और ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे 4 तारीख को, ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा फलोदी सट्टा बाजार ने प्रेडिक्ट किया है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई 4 तारीख को, तो बस वेट करो। और उसके बाद करते हैं अपन एक बहुत बड़ा विस्फोट, और अभी चलते हैं अपन बाहर, करते हैं कोई नई बातचीत, फिर मिलते हैं आपसे। बाहर जाने के लिए सोच रहा था लेकिन धूप बहुत हो चुकी है तेज, और इसलिए अपन नहीं जा रहे हैं बाहर, तो अपन वापस आके यहीं पे बैठ गए थे। आकाश भैया की दुकान तक गए जीते, तो धूप इतनी तेज़ हो गई भाई साहब, सबसे तेज गर्मी पड़ने वाला शहर है ये फलोदी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भाई साहब, जैसलमेर से भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है फलोदी के अंदर। और जो सरकार है वो रिवील, मतलब जो न्यूज़ में वो रिवील नहीं करते, क्योंकि फिर उनको क्या है कि व्यवस्थाओं में लग जाना पड़ता है, पानी के ट्रैक्टर वगैरह सब सड़कों को फिर पानी गिराना वगैरह वो सब करना पड़ जाता है, इसलिए सरकार इसको रिवील नहीं करती है, समझ रहे हो। इन चीज़ों को छुपा के रखती है कि भाई कि आज कितने डिग्री गर्मी है, आज ये अगले दिन कितने डिग्री गर्मी है, न्यूज़ रिवील नहीं होती सही तरीके से। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब। और बाकी अपने रवसा को मिल चुकी है भाई, एक कोई थ्रेट आई थी, डेथ थ्रेट, कोई रवसा को मारने की धमकी वमकी दे रहा है, तो एसपी ने भाई साहब उनके पीछे 4 गनमैन लगवा दिए। हरकत देख रहे हो भाट साहब का, 4 गनमैन लग गए उनके पीछे सिक्योरिटी के लिए, है ना। ऐसी थ्रेट आती रहती है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, समझ रहे हो, यही डायलॉग है रवसा का भी। चलो चलते हैं वापिस बाहर अपन 5 मिनट। तो भाई काफी शाम होने के बाद अब निकले हैं अपन बाहर, और पीछे खड़ी है गैंग। और दूसरी बात ये कि आकाश भैया यहाँ पर है नहीं, ये दुकान बंद करके उसी टाइम चले गए थे दोपहर में, जब हम बाहर निकलने का विचार कर रहे थे, लेकिन क्या करें वो निकल गए थे। अब ये आने की मतलब टाइम हो गया, इनका आने का टाइम हो गया है, तो जल्दी ही वापिस आने वाले हैं। तो फिर जब तक अपन कहीं और घूम के आते हैं, बाइक लेके चलते हैं, इधर उधर भटक के आ जाते हैं। आइए आइए, आपका इंतजार था सर विक्टर। अब कहाँ जा रही है फ्यूज बैटरी ब्लॉक से, सर सर अब कहाँ जा रही है सवारी? बस यही आज अच्छी भाई अपना जीता है, कल रात को शिवपुरी प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द मैच रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद।
तो धन्यवाद ही देंगे ना सर, बधाई देंगे, धन्यवाद हम बोलेंगे। अरे बधाई नहीं, हमारा धन्यवाद थोड़ा अलग टाइप वो वाला है नेक्स्ट लेवल वो वाला। ऊपर से देखिए हमारे ताऊ जी आ चुके हैं, जाइए जाइए आप घूम के आइए बढ़िया। चलो चलते हैं घर पे और ले लेते हैं गाड़ी की चाबी। अरे यार चलो गाड़ी की चाबी ले लेते हैं फिर थोड़ी देर घर जाते हैं घुमाई। जब तक हमारे आकाश भैया आ जाएंगे। ओके जी चलो पहुंच गए हैं घर, ले लेते हैं चाबी और चलते हैं बाहर। भाई ये प्रशस्ति पत्र है वो वाला जो राजस्थान के राज्यपाल ने कलराज जी मिश्र ने दिया था हमें, एक सिल्वर मेडल और एक प्रशस्ति पत्र जो कि कलराज जी मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है गवर्नर साहब उन्होंने हमें दिया था। ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था। चलो ये रही अपनी सुंदरी, करते स्टार्ट चलते हैं बाहर। ओके जी चलो। दोस्तों पहुंच गए हैं हम आकाश भैया की दुकान और आकाश भैया से करते हैं बातचीत। तो आकाश भैया आइए बैठिए अपने स्थान पर, आपसे हम करना चाहेंगे थोड़ी सी बात। बैठिए बैठिए आप बैठिए यहाँ बैठिए भैया, आप ऐसे ना करें, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। तो आकाश भैया फलोदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है, रविंद्र सिंह पार्टी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? कच्ची पक्की जीत लगा रहे रविंद्र सिंह की। ये क्या कह रहे हैं, देखो ये गलत बात है यार, ऐसे मत करो आकाश भैया, हमारी पब्लिक बुरा मान जाएंगी। सट्टा बाजार तो जीत बता रहा है 101%। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज देखी है कि उसमें रविंद्र सिंह भाटी की जीत बता रहे हैं 101%। हम आपको वीडियो दिखा देंगे अभी यूट्यूब पे, सट्टा बाजार की अभी की रिपोर्ट है लेटेस्ट। हमें नहीं लगता भैया रविंद्र सिंह जीतेगा। ये क्या कह रहे हैं आकाश भैया, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसे मत करो, हमारे बड़े भाई साहब हैं। आपको क्या लगता है? मेरे को तो 101% जीत। तो आप तुम दोनों सच कर लेते हैं हार जीत की? सच कर लेते हैं? हाँ। मेरे पास पैसा नहीं है, हार जीत की करते हैं, मेरे पैसे कब बात हार जीत की कर लेते हैं। चलो मैं जीत लगाऊंगा, मैं हार लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा लेकिन देख लेना। ठीक है और बाकी सब बढ़िया। आकाश भैया आनंद मंगल, आप ऐसे लेट 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 क्यों आते हो दुकान पे? तो मेरे पास पैसे ज्यादा है ना। अब मनी हो गया? हाँ वो कैसा मनी? यस ब्रो। चलो दोस्तों हमारी बातचीत हो गई है बहुत भारी और हमने सर्ट कर ली है और हमारे बड़े भाई साहब कब्सा भी आ गए हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर लेना दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।